So students, today we are starting with the group number 18 and this is your last lecture of B-block elements. Okay. उसके बाद एक lecture हम लगाएंगे NCERT questions के ऊपर जो main question रह गए हैं back exercise में से. Otherwise आज के lecture के बाद ये chapter complete है. Group number 18 में कौन सी gases होती हैं? Inert gases है ना. Group number 18 वाले elements को हम inert gases भी बोलते हैं. इनके केस में जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? NS2 NP6 हीलियम को छोड़ के. हीलियम के केस में सिर्फ एसी फेल होता है, पी तो होता ही नहीं हीलियम में क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ एसी होता है. ओके. इनको इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होता है ना. कौन कौन सी गैसेज है इनर्ट? क्या निमोनिक बताया था? हे हिना ने अंगूर खरीदे, जीनन रोने लगा. ओके. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन. ओके. और इनके एटॉमिक नंबर इनके सामने लिखे हुए हैं, ये वाले मैंने, और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जिस ग्रुप को ये बिलोंग कर रहे हैं उस ग्रुप के लिए n इक्वल टू 1 है, इसके लिए n इक्वल टू 2 है, इसके लिए n इक्वल टू 3 है, इसके लिए n इक्वल टू 4 है, इसके लिए n इक्वल टू 5 है, इसके लिए n इक्वल टू 6 है. इसलिए हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2. 1p तो होता ही नहीं ना. इसके लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p6. आर्गन के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p6. ओके. क्रिप्टन के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 4p6. हमें सिर्फ आउटर मोस्ट से मतलब होता है तो इसलिए सिर्फ आउटर मोस्ट बता रहा हूँ मैं आपको. ओके. कि कैसे पता करते हैं जी, हम पहले भी पढ़ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में. जीनन की 5s2 5p6, रेडॉन की 6s2 6p6. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स. ओके. तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए दीज आर ऑलमोस्ट, जैसे ये हमें पता है ये इनर्ट गैसेस बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होती हैं. दीज आर ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव. क्यों? ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से दीज एटम्स आर वेरी वेरी इनर्ट. ओके. ये सारे इनर्ट हैं. ओके. इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं ग्रुप 18 वालों को, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते. ओके. उसके बाद अकरेंस की बात है. ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अगर इन दी एटमोसफेयर. ये सारी आपको एटमोसफेयर में मिल जाएंगे, जो एटमोसफेयर में हमारे सराउंडिंग में एटमोसफेयर है उसमें से ये सारी गैसेस मिलती हैं एक्सेप्ट रेडॉन. रेडॉन नॉबल रेडियो एक्टिव गैस है, तो ये आपको एटमोसफेयर में नहीं मिलती, और अगर मिलती होती तो हमारे लिए खतरनाक थी. ओके. बिकॉज रेडॉन इज अ रेडियो एक्टिव, यहाँ पर लिख देता हूँ. वो तो अच्छी बात है कि ये हमें नहीं मिलती एटमोसफेयर में, वो हमारा ही भलाई है. अगर होती तो हमें नुकसान होता उसका. हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन, पिच ब्लेंड, मोनजाइट, डेवाइट. ठीक है. ये कुछ एक मिनरल्स हैं जिनमें हीलियम और नियॉन कई बार मिलती है आपको. ओके. द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज द नेचुरल गैस. हीलियम का कमर्शियल सोर्स क्या है? नेचुरल गैस. जब नेचुरल गैस बनती है, जब निकलती है नेचुरल गैस, उस टाइम आपके पास हीलियम भी उसमें होती है, तो इसको नेचुरल गैस से सेपरेट करके एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है. ओके. क्लियर. अब इनके लिए कुछ एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज जिनकी हमने डिस्कशन करनी है. जैसे सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ग्रुप 18 वालों के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप मतलब समझते ही हो कि अगर आपने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसको कैटायन बनाना है, उस टाइम जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके. क्लियर. ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज गैसेस एग्जिबिट वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके. इनकी स्टेबल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि मैंने बोला इनमें क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होता है ना. तो इसके फुली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो इसलिए इन गैसेस में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है. इट मींस अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, यू हैव टू प्रोवाइड वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दैट्स व्हाई दे विल हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके.
बट द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. आपको पता है एटॉमिक साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है. तो जैसे जैसे आप नोबल गैसेस वाले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 18 में डाउन जाओगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. मतलब जो क्रिप्टन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो आर्गन से कम होगी. क्रिप्टन में इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है एज कम्पेरिजन टू आर्गन. आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब क्या कि आपका इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालना इज इजी, मींस दैट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीकली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस. ओके, दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस. वो तो मैंने आपको बता दिया कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, वो तो आप लोगों को पता ही है. जनरल ट्रेंड क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज. ओके, हीलियम के केस में आपके पास एक शेल होता है. ओके, उसके बाद हीलियम के बाद आती है नियॉन. नियॉन के केस में दो शेल होते हैं. तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा. ओके, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर. ओके, एंड नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे एड कर देते हैं, एंड नंबर ऑफ शेल्स. ओके, नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सिंस नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर हैव वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, अगर आपने किसी गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन देके उसको एनायन बनाना है, ओके, उस टाइम एनर्जी चेंज क्या आता है, अगर एनर्जी देनी पड़ती है तो पॉजिटिव, अगर एनर्जी निकलती है तो नेगेटिव. ओके, तो पहली बात तो जो आपके पास नॉबल गैसेज होंगी उनमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन तो ऑलरेडी कम्प्लीट है, तो उन्होंने क्या करना, इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं उनको. ओके, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, और वेरी हाईली पॉजिटिव होती है. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते. सो दैट्स व्हाई दे विल हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, ये मेन पॉइंट मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ. इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इसके केस में डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके, उसके बाद आपके पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात खत्म हुई, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि नोबल गैसेस कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, लाइक दिस. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑल नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. जितनी भी आपके पास नोबल गैसेज हैं वो सारी मोनोएटॉमिक हैं, कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं एंड टेस्टलेस हैं. दे आर स्परिंगली सॉल्युबल इन वाटर. They have low melting and boiling points because of weak dispersion forces between the atoms or weak van der Waals forces. देखो, एक हीलियम का एटम दूसरे हीलियम को एटम के साथ कैसे अट्रैक्ट करता है, बाय वीक van der Waals forces. van der Waals forces क्या होती हैं, वैसे ही ये हर जगह प्रेजेंट होती हैं. ओके, बड़ी वीक होती हैं. तो इट मीन्स अगर आपके पास ये वीक डिस्पर्शन फोर्सेज इनमें प्रेजेंट हैं बिटवीन टू हीलियम एटम्स, तो इन वीक की वजह से क्या होगा, इन वीक वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से क्या होगा, दे विल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट वैन डर वाल फोर्सेस जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे नियॉन का साइज बड़ा होता है एज कम्पेरिजन टू हीलियम, तो नियॉन का एक मॉलिक्यूल दूसरे नियॉन के मॉलिक्यूल के साथ बड़ा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ साइज. ओके, तो इट मीन्स अगर आप साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके पास डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, तो डाउन द ग्रुप आने पर क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. मतलब जो जीनन होगी उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो जो होगा वो क्रिप्टन से ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे साइज बड़ा होगा जीनन का, तो जीनन का एक एटम दूसरे जीनन के एटम के साथ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इट मींस इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. और क्रिप्टन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके केस में वीक फोर्सेज होंगी इनके बीच में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वीक फोर्सेज की वजह से दे विल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन द वैन डर वाल्स फोर्सेज as there is increase in mass and size. okay, so therefore yahan pe point bhi add kar dete hain. so therefore boiling point and melting point increases down the group. isliye down the group jane pe boiling point and melting point increase karta hai. okay, clear. to ye kuch ek physical properties thi humne jo noble gases ke bare mein padhne. नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन हाउ द नील बार्लेट सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड.
फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड को नील बार्लेट ने कैसे सिंथेसाइज किया? सबसे पहले बात उसके दिमाग में आया ही क्योंकि नोबल गैसेस जो है वो कंपाउंड बना सकती हैं, क्योंकि अभी तक तो यही माना जाता था कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। उसने क्या देखा, नील बार्लेट बेस्ड हिज सिंथेसिस ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड O2PtF6। O2PtF6 में क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप जानते हो, ठीक है। ये मॉलिक्यूल PtF6 मॉलिक्यूल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के पड़ा हुआ है जिसमें O2 के ऊपर प्लस वन चार्ज है और ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस वन चार्ज है, PtF6 नेगेटिव, ओके क्लियर। और O2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि O2 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, इसका मतलब तो यही है, क्लियर। और उसके बाद उसने रियलाइज किया, देन ही रियलाइज दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ज़ीनन टू ज़ीनन पॉजिटिव वाज ऑफ द सेम ऑर्डर एज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट O2 टू O2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पॉजिटिव बनाने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी ही एनर्जी तो ज़ीनन से ज़ीनन पॉजिटिव बनाने में लगती है। इट मींस अगर ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें O2 टू O2 पॉजिटिव बन चुका है, इट मींस ज़ीनन से ज़ीनन पॉजिटिव बनाना भी इजी होगा फिर। उसने तो यही सोचना है ना, बात तो वही बनती है कि अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में वही एनर्जी ऑर्डर लगता है जितना ज़ीनन के लिए लगना है तो, और ये पॉजिटिव बना दे रहा है तो सिंपल है, ज़ीनन भी बना देगा। तो बस फिर उसने वही वाला जो एक्सपेरिमेंट इसके लिए प्रेपरेशन के लिए यूज होता था उसने वही सेम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ऑक्सीजन ना डाल के ज़ीनन डाल दी और उसने देखा कि ये वाला कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया, दैट्स इट, ओके। सो द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड सिंथेसाइज वाज दिस, इसलिए उसने ये वाला कंपाउंड सबसे पहले सिंथेसाइज किया, ओके। उसको आइडिया किससे लगा था, उसको आइडिया लगा था किस कंपाउंड से, O2PtF6 इस कंपाउंड, जिसमें O2 जो है वो अपनी O2 पॉजिटिव स्टेट में होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती है वो उतनी ही एनर्जी होती है जो जितनी ज़ीनन से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी, ज़ीनन को ज़ीनन पॉजिटिव बनाने में लगेगी, ओके। और उसके बाद इसके लिए कुछ एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दिस इज रेड इन कलर, ओके। इसमें ज़ीनन पॉजिटिव और ये वाला पूरा अनायन कॉम्प्लेक्स अनायन होता है। उसके बाद इट इज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ज़ीनन एंड PtF6, ज़ीनन और PtF6 को मिक्स कर दो यू विल गेट दिस कंपाउंड, ओके। O2 और PtF6 को मिक्स करो तो ये बनता था, ऑक्सीजन और PtF6 को मिक्स करने पे ये बनता था, ज़ीनन और PtF6 को मिक्स करने पे आपके पास ये बनेगा, ओके। जिसमें ज़ीनन जो है वो कैटायन बन रही है, या ऐसा बोल लो ज़ीनन कंपाउंड बना रही है ये एक, इट मींस नोबल गैसेस के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, बट सिर्फ किसके एग्जिस्ट करते हैं, क्रिप्टन और ज़ीनन के, ओके। इनसे छोटे वाले नोबल गैसेस के नहीं एग्जिस्ट करते, ओके। उसके बाद रेडॉन के हम स्टडी नहीं करते क्योंकि रेडॉन होती रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए इन दोनों के कंपाउंड को स्टडी किया जाता है मेनली ज़ीनन के, क्रिप्टन के भी बहुत कम है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल सकते, इसलिए क्रिप्टन के भी बहुत कम है। सिर्फ ज़ीनन ही ऐसा है जो बिल्कुल फिट बैठता है नोबल गैस कंपाउंड बनाने के लिए, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज अब शुरू कर रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला इसमें क्वेश्चन वाइज ही चलेंगे, क्वेश्चन है नोबल गैसेज आर नॉन टू फॉर्म कंपाउंड्स ओनली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, व्हाई? सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड बनते हैं नोबल गैसेज के, ज़ीनन के भी क्यों? इसका रीजन वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड आर एबल टू ब्रिंग अबाउट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नोबल गैसेज। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नोबल गैसेस को उनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ला सकते हैं बड़े आराम से, ओके। इसलिए नोबल गैसेस जब भी कंपाउंड बनाती हैं वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही बना सकती हैं और किसी के साथ बना ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमंगस्ट द नोबल गैसेस ओनली क्रिप्टन एंड ज़ीनन आर नोन टू फॉर्म कंपाउंड, व्हाई? सिर्फ क्रिप्टन और ज़ीनन क्यों बनाते हैं, इसका क्या रीजन है? जैसे मैंने आपको भी बताया ना पहले कि क्रिप्टन और ज़ीनन के देखेंगे हम, बिकॉज इन द ग्रुप 18 दे हैव कंपैरेटिवली लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज दे लाई एट द एंड ऑफ द ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं ना, वो बॉटम पे एग्जिस्ट करते हैं, साइज बड़ा होने की वजह से दे विल हैव लेसर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकते हैं। सो दैट्स वाई ग्रुप 18 में सिर्फ ये क्रिप्टन और ज़ीनन ही अपने कंपाउंड बनाते हैं, बाकी नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बना सकते, ओके।
बट क्रिप्टन के केस में फॉर क्रिप्टन ओनली KrF2 हैज बीन स्टडीड इन डिटेल. सिर्फ यही वाला कंपाउंड है जिसको डिटेल में आज तक स्टडी किया जा सका है, क्योंकि बाकी क्रिप्टन के कंपाउंड बनते ही नहीं है, और अगर बनते हैं तो स्टेबल होते नहीं है, तो उनकी स्टडी डिटेल में नहीं करी जा सकती. ओके, क्योंकि अगर कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसकी स्टडी कैसे करोगे? या मान लो एग्जिस्ट करती भी है बट अनस्टेबल है, तो जैसे स्टडी करने लगोगे तो डिकम्पोज हो जाएगी. ओके, सो दैट्स व्हाई क्रिप्टन का सिर्फ एक ही कंपाउंड जिसकी कंप्लीट स्टडी हुई है वो है KrF2. तो इसलिए हमने क्रिप्टन में इतनी दिलचस्पी दिखाई भी नहीं है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में जो मेन फोकस हमारा है वो ज़ीनन के कंपाउंड्स के ऊपर है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी भी किया गया है. ओके, तो इसलिए फिर ज़ीनन के कंपाउंड हमारे फेवरेट बन जाते हैं. अब ज़ीनन फ्लोरीन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ ज़ीनन और फ्लोरीन इन्वॉल्व होगी. सबसे पहले उनकी प्रेपरेशन. ज़ीनन फॉर्म्स 3 binary fluorides, मतलब ज़ीनन डायफ्लोराइड, ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड. दीज आर दी स्टूडेंट्स, वॉइस लैग की वजह से मेरे को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा. प्रेपरेशन में हम ज़ीनन फ्लोराइड्स की प्रेपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे. ज़ीनन फ्लोराइड, ज़ीनन के 3 तरह के फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं, ज़ीनन डायफ्लोराइड, ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड. ओके, कौन सा ज़ीनन का फ्लोराइड बनेगा वो डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन के ऊपर. ओके, और ज़ीनन और फ्लोरिन की कॉम्पोजिशन के ऊपर, इनकी इनकी जो आपने मिक्सचर है वो किस रेशो में रखा है. जैसे ज़ीनन फ्लोरीन अगर 1:1 में हो तो आपके पास, और टेम्परेचर अगर 673 केल्विन और 1 bar प्रेशर हो, देन एट दैट टाइम यू विल गेट ज़ीनन डायफ्लोराइड. ओके, ज़ीनन और फ्लोरीन अगर आप 1:5 में लो, अब आप बोलोगे रिएक्शन में तो 1:2 में इन्वॉल्व है, बट फिर भी आपको फ्लोरीन को एक्सेस में लेना है एज कम्पेरिजन टू ज़ीनन. ओके, और कितना एक्सेस में? 1:5 में. तब क्या होता है? देन एट दैट टाइम यू विल गेट ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड. टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन है ये वाली रखनी. ओके, अगर ज़ीनन और फ्लोरीन को आप 1:20 में रखो, ओके 1:20 में, तो तब आपके पास ये जो कंबाइन होते हैं ये 1:3 में कंबाइन कर जाते हैं, तब आपके पास क्या बनेगा? ज़ीनन हेक्सा फ्लोराइड. ओके, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन ये होनी चाहिए. ओके, बट अगर मान लो आपके पास, आप कहते हो कि नहीं जी मेरे को ना ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड के लिए 1:20 मिक्सचर में नहीं रख सकता, मेरे को कोई और मेथड बताओ. ठीक है, उसका उसका बनाने का तरीका क्या है? ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड का, सॉरी ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड ये जो बनाया, इसको बना लो पहले 1:5 में रख के. ओके, उसके बाद जब ये बन जाएगा ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड, उसकी O2F2 से रिएक्शन करवा दो. मैंने आपको बताया था ना ये कंपाउंड हम पहले पढ़ चुके हैं, O2F2 ऑक्सीजन फ्लोराइड. ये एक गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब अपने में से फ्लोरीन निकाल देता है बढ़िया तरीके से और दूसरे में ऐड कर देता है. तो इसकी वजह से क्या होगा? 2 fluorine इसमें ऐड हो जाएंगे, यू विल गेट ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड. ओके, और ये जो 2 oxygen, मतलब 2 fluorine इसमें ऐड हो जाएंगे, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा, O2 बन जाएगा, और ये काम भी आपका लो ब्रेथ टेम्परेचर पे हो जाना है. ओके, और बढ़िया तरीके से हो जाएगा आपको. क्लियर? तो आप ये भी मेथड अपना सकते हो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड. ओके, नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर्स. ओके, स्ट्रक्चर्स में आपके पास आता है ज़ीनन डायफ्लोराइड, ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड, ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड. ओके, उसके बाद ज़ीनन डायफ्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है. ज़ीनन वो लीनियर क्यों होगा? क्योंकि ज़ीनन के अराउंड कितने एटम होते हैं? टोटल 8. ठीक है, 8 में से 2 electron वो 2 fluorine के साथ शेयर करवा के 2 bond pair बना रहा है ना, और आपके पास जो 6 electron है वो 3 lone pairs की फॉर्म में पड़े हैं. तो 3 lone pair 2 bond pair के केस में कौन सी स्ट्रक्चर होती है? लीनियर. है ना, याद आया बस एपर थ्योरी? ठीक है, अगर नहीं याद आई तो मैं आपको आज इसकी भी वीडियो भेज ही दूंगा ग्रुप में. ठीक है, तो इसकी शेप क्या है? लीनियर. उसके बाद ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड, इसकी शेप क्या होगा? अब इसके केस में क्या होगा? ज़ीनन के जो अराउंड, ज़ीनन के जो वैलेंस शेल में 8 electron है,
उनमें से चार इलेक्ट्रॉन चार बॉन्ड पेयर बनाने में जाएंगे विद चार फ्लोरीन, ये देखो बनाए हुए हैं ना, और जो चार इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो दो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो इनकी शेप क्या होगी? जब दो बॉन्ड, दो लोन पेयर और चार बॉन्ड पेयर हो तब शेप कौन सी होती है? स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी शेप कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर। और ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड के केस में क्या होता है? टोटल आठ में से जो ज़ीनन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाते हैं छह सिंपल बॉन्ड बनाने में, छह सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, और दो इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर बचे होते हैं, ठीक है। तो इस शेप को बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, इसमें इस ऑक्टाहेड्रल जैसी शेप होती है, बट उसमें अ लिटिल बिट डिस्टॉर्शन इज देयर, सो दैट्स व्हाई दिस शेप इज कॉल्ड एज द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। ओके, तो इसलिए ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर थे आपके ज़ीनन के फ्लोराइड, डायफ्लोराइड का, ज़ीनन का टेट्राफ्लोराइड और ज़ीनन का हेक्साफ्लोराइड, और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है पेपर में ऐसा चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये जो ज़ीनन के फ्लोराइड्स हैं, डायड, टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड, इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कलेक्टिवली। दे विल बी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये जितने भी हैं ये कलरलेस क्रिस्टलाइन फॉर्म की, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे सब्लाइम्स रेडली एट 298 केल्विन, क्लियर, बट रूम टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे क्या होता है, ये सब्लिमेट कर जाते हैं और गैसेस फॉर्म में चले जाते हैं। ओके, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में जाना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये जितने भी हैं आपके पास, दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब जब आपको फ्लोरीन को किसी कंपाउंड में ऐड करवाना हो तब आप उसको इसके साथ रिएक्शन करवा देते हो, ये फ्लोरीन अपनी निकाल के उसको दे देता है, बिकॉज दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय द ट्रेसेस ऑफ वाटर, इनकी हाइड्रोलिसिस बड़ी ईजी हो जाती है, मतलब इनमें वाटर के साथ रिएक्शन इनकी बड़ी फास्ट हो जाती है, ट्रेसेस ऑफ वाटर भी होंगे उसके साथ भी रिएक्ट करके ये रिएक्ट करवा लेंगे, मतलब इनके रिएक्शन आगे हम देखेंगे अभी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक नोट ही है, ओके, ज़ीनन फ्लोराइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में। ज़ीनन फ्लोराइड्स रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन मतलब एफ नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करते हैं ज़ीनन के फ्लोराइड, जैसे ज़ीनन डाइफ्लोराइड, ज़ीनन टेट्राफ्लोराइड, ये क्या करती हैं, ये फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब जो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करने वाले हों, टू फॉर्म कैटायनिक स्पीसीज, मतलब ज़ीनन का जो फ्लोराइड होगा, जैसे ये क्या करेगा, ज़ीनन का फ्लोराइड अपना एक फ्लोराइड निकाल देगा, जैसे मैंने बोला ना ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, और आपके पास जो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर होगा, ओके, वो जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो ये अपना फ्लोराइड आयन निकाल के एक्सेप्टर को दे देगा, खुद क्या बन जाएगा, खुद एक कटायन की फॉर्म में बन जाएगा, और एक्सेप्टर जो है वो फ्लोराइड आयन लेके अनायन बन जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इसका एग्जाम्पल मैं आगे बताता हूँ अभी। ज़ीनन फ्लोराइड रिएक्ट विद द फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर टू फॉर्म द कटायनिक स्पीसीज एंड फ्लोराइड आयन डोनर टू फॉर्म फ्लोरो अनायन, ठीक है। तो बनेगा क्या, आपके पास बनेंगे फ्लोरोनायंस, ओके, और बनेंगे कटायनिक स्पीसीज, ओके। इसको मैं थोड़ा सा ना सिंपल कर देता हूँ, वेट, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेडली लिखा हुआ है, टू फॉर्म कटायनिक स्पीसीज एंड फ्लोरोनायन, सिंपल यहाँ पे कर दो, फ्लोरोनायन, क्या बनेगा आपके पास, एक बन जाएगी कटायनिक स्पीसीज और दूसरा बन जाएगा फ्लोरोनायन। आगे एग्जाम्पल बताता हूँ इसकी, जैसे ये ज़ीनन का फ्लोराइड हो गया, डायफ्लोराइड हो गया, ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर हो गया, मतलब जो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसने अपना एक एफ नेगेटिव आयन निकाल के इसको दे दिया, ये क्या बन गया, पी एफ सिक्स नेगेटिव, और ये क्या बन गया, खुद इसने एक फ्लोराइड आयन निकाला है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस कटायन। ओके, तो ये वाला ओवरऑल क्या है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ओके, नेमिंग कैसे करनी है, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया हुआ है उनको नेमिंग आती होगी, दे कैन डू इट। ओके, इसमें आगे देखो, ये एक्सेप्टर है, ये फ्लोराइड आयन डोनर है, तो इसने क्या करना है, इसने फ्लोराइड आयन इसको दिया, खुद बन गया कटायन की फॉर्म में, और दूसरे वाला क्या बन गया, एक्सेप्टर फ्लोराइड आयन लेके क्या बन गया, SbF6- एनायन की फॉर्म। ओके, बट कभी कभार ये एक्सेप्टर का काम भी कर लेता है, यहाँ पे ये एक्सेप्टर का काम कर रहा है। ओके, एक्सेप्टर का काम जब करता है तब क्या करता है, फ्लोराइड आयन ले लेता है और खुद को क्या बनाता है, तब ये बनता है, खुद बन जाता है एनायन, और दूसरे वाला जो उसमें से फ्लोराइड आयन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कटायन। यहाँ पे ये एग्जांपल में ये जो एम है, एम किसको डेजिग्नेट कर रहा है, सोडियम को
पोटाशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को, ओके, क्योंकि ये फर्दर फ्लोरीन आयन ले ही नहीं सकते थे, ये एक ही फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए ये डोनर की तरह एक्ट करके इसको कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स का काउंटर आयन की तरह आप खुद बैठ गए जाके, ओके क्लियर। तो इस तरह आपके पास जीनन के जो फ्लोराइड्स हैं वो एज अ एक्सेप्टर और डोनर दोनों तरह का काम कर सकते हैं, ज्यादातर डोनर का काम करते हैं फ्लोराइड डोनर, ओके, बट कई बार एक्सेप्टर का काम भी करते हैं, इसलिए एक्सेप्टर की एग्जांपल भी मैंने ऐड करी हुई, ओके। उसके बाद जैसे हमने बोला था कि हाइड्रोलिसिस बड़ी इजी हो जाती है, तो जीनन डाइफ्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है आपके पास, जीनन डाइफ्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है, जब उसमें वाटर ऐड होता है, यू विल गेट जीनन एचएफ एसिड एंड ओ2 गैस, ओके। ये रिएक्शन याद रखना, कई बार जीनन के गैस जो जीनन के कंपाउंड्स हैं उनकी प्रेपरेशन या उनकी प्रॉपर्टीज में उनके रिएक्शन आ जाते हैं, तो इसलिए जो मेन मेन रिएक्शन है वो सारे मैंने लिख रखे हुए हैं, तो इनको ध्यान में रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट, अब आपके पास जैसे हमने पढ़ा था कि जीनन के साथ फ्लोरीन रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन भी तो कर जाता है ना, तो जीनन ऑक्सीजन के कंपाउंड कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं और उनकी प्रेपरेशन कैसे होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीनन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। सबसे पहले प्रेपरेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनन टेट्राफ्लोराइड एंड जीनन हेक्साफ्लोराइड विद वाटर गिव जीनन ट्राइफ्लोराइड। जीनन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है वाटर के साथ, तब आपके पास जीनन ट्राइऑक्साइड बनता है, ओके। तो ये रिएक्शन लिखे हुए उनके, जैसे मैंने बोला मैंने मेन मेन रिएक्शन इसमें ऐड किए हुए हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं रिएक्शन सारे, ओके, ये पढ़ देख लेना आप। और ये जो जीनन ट्राइऑक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें जीनन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में जाने गए हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ओके, तो डबल बॉन्ड बनाने में जीनन के 2-2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो जीनन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गए बॉन्डिंग में, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एज अ लोन पेयर, तो इसलिए जीनन के की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, पिरामिडल, ओके क्लियर। तो जीनन ट्राइफ्लोराइड जो है, सॉरी ट्राइफ्लोराइड नहीं, जीनन ट्राइऑक्साइड विल बी अ will having a pyramidal shape, okay, and वैसे इसकी जो physical property की बात करूँ ये, तो that will be colorless explosive solid, ये एक colorless explosive solid है, okay, xenon trioxide, okay, तो ये xenon oxygen का compound आपने पढ़ लिया। उसके बाद xenon के oxygen और fluorine के साथ दोनों के साथ भी compound exist करते हैं, जिनमें xenon होता है, oxygen होता है और fluorine होता है, वो कौन से compound है, उनको बोलते हैं oxyfluorides of xenon। प्रिपरेशन, जैसे हमने बोला कि अगर हम फुल हाइड्रोलिसिस कर देंगे जीनन टेट्राफ्लोराइड और जीनन हेक्साफ्लोराइड की, तब तो आपके पास जीनन ट्राइऑक्साइड बनना है एज अ प्रोडक्ट, ओके। बट अगर पार्शियल करेंगे जीनन हाइड्रोलिसिस करेंगे जीनन हेक्साफ्लोराइड की, देन एट दैट टाइम व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट जीनन ऑक्सीफ्लोराइड, लाइक जीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जीनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ये दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने हाइड्रोलिसिस किस एक्सटेंड पे करवाई है। जैसे एक मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करे, जीनन हेक्साफ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल से अगर रिएक्ट करे, देन यू विल गेट जीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। अगर एक मॉलिक्यूल दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करे, देन यू विल गेट जीनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ओके। आगे बात आती है स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में जीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जीनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर इनका देखना है, तो आपके पास पिरामिडल स्ट्रक्चर है किसका, जीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का, यहाँ पे इनके ऊपर नेम लिख देते हैं ये, और अगर आपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका, जीनन O2F2 का। रीजन क्या है, रीजन इसका विसेपर थ्योरी में ढूंढो, अब इसको नहीं मैं एक्सप्लेन करने वाला, ओके। तो ये आपके पास इन दो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हो गए, क्लियर। आगे कुछ एक क्वेश्चंस, कुछ एक क्या, एक ही क्वेश्चन है इसका, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनन हेक्साफ्लोराइड, सॉरी, डस द हाइड्रोलिसिस ऑफ जीनन हेक्साफ्लोराइड लीड्स टू अ रेडॉक्स रिएक्शन। कहते हैं कि ये जो जीनन हेक्साफ्लोराइड की हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, इसको एक रिडॉक्स रिएक्शन का नेम दिया जा सकता है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको एक रिडॉक्स रिएक्शन बोला जा सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है,
है ना, उसको बोलते हैं ना डॉक सेक्शन। अब देखो ज़ीनन हेक्साफ्लोराइड की जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है एंड यू विल गेट ज़ीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड एचएफ, इसमें आप देखो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। ज़ीनन प्लस सिक्स स्टेट में था, इसमें भी प्लस सिक्स में है। फ्लोरीन माइनस वन स्टेट में था, इसमें भी दोनों फ्लोरीन माइनस वन स्टेट में है। हाइड्रोजन प्लस वन स्टेट में था, हाइड्रोजन प्लस वन में ही है। ऑक्सीजन माइनस टू स्टेट में था, ऑक्सीजन माइनस टू स्टेट में ही है। तो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज ही नहीं हुई। तो अगर चेंज नहीं हुई इट मीन्स ये सिंपल रिएक्शन है, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में कहीं एक जगह ऑक्सीडेशन और दूसरी जगह रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, तभी तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई ये दिस रिएक्शन इज नॉट कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसको आप एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते। ओके क्लियर। और ये जो मैंने आपको अभी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बताए हैं वो सारे के सारे कुछ एक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ये थोड़ा बढ़िया तरीके से बना रखे हैं, एनसीईआरटी से मैंने लिए हुए हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये आपका एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर हो गए। और लास्ट पेज है आज का हमारा यूजेज ऑफ नॉवल गैसेस, नॉवल गैसेस के यूज कहाँ कहाँ है। ओके, तो ये आप खुद ही पढ़ लेना, इसमें वैसे कोई खास करने वाला है नहीं। जैसे हीलियम का क्या यूज है, हीलियम एक इनफ्लेमेबल गैस है और लाइट है, तो इसलिए इसको बैलून्स में फिल किया जाता है, जो बच्चों को देते हैं उनको, उनके लिए भी, और जो साइंटिफिक मेट्रोलॉजिकल स्टडीज के लिए जो यूज होते हैं बैलून्स, उनमें भी यही भरी जाती है हीलियम, बिकॉज इट इज अ लाइट गैस एंड इनफ्लेमेबल। ठीक है, भरने को हाइड्रोजन भी भर दे सकते हैं क्योंकि वो लाइट होती है, बट इनफ्लेमेबल होने के कारण उसको नहीं भरते, वो डेंजरस हो जाता है काम। ओके, उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज एज अ गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, ये गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को टाइम टू टाइम कूलिंग की जरूरत भी पड़ती है, उस टाइम हीलियम को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। इट इज यूज एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिकॉज ऑफ इट्स लो ब्लड सॉल्युबिलिटी। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ये क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर टू में किया और सॉल्यूशंस में, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो सी के अंदर डाइव्स करते हैं, ठीक है, तो उनके सिलेंडर में भी हीलियम भरी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी, सो दैट उनके ब्लड में प्रॉपर गैस की अमाउंट बनी रहे। ओके, ये ना हो कि गैस सॉल्युबल हो जाए, इसका डिटेल में आपको पता ही होगा। क्लियर, नहीं तो चैप्टर नंबर टू के नोट्स को देखो। नियॉन, नियॉन का कहाँ कहाँ यूज है, आजकल तो नियॉन लाइट्स भी आ रही हैं। ओके, बट और भी यूजेस हैं नियॉन के, जैसे इट इज यूज्ड इन दी डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरोसेंट बल्ब्स फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पस, वही बात हो गई। ओके, यूज्ड इन दी बोटानिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउसेज। नेक्स्ट, आर्गन यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोसफेयर इन दी हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। कई बार हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, मतलब आपने रिएक्शन जो है किसी इनर्ट एटमॉस्फेयर में करवानी होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करवा सकते, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में नहीं करवा सकते। ओके, हालांकि नाइट्रोजन भी इनर्ट होती है, बट मान लो और भी इनर्टनेस आपको ज्यादा चाहिए कि और हाई टेम्परेचर पे जाना चाहते हो, इतना हाई कि वो नाइट्रोजन को भी आयोनाइज कर दे, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर हाई है, तो नाइट्रोजन उस टाइम नहीं यूज कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन उस टेम्परेचर पे आयोनाइज हो जाएगी, तो उस टाइम का क्या काम आता है, आर्गन। ओके, ये भी इनर्ट एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करने में के काम आती है, बट अगर टेम्परेचर बड़ा ज्यादा हाई नहीं करना, या ऐसा बोलो कि उतना हाई नहीं करना कि नाइट्रोजन डिकम्पोज हो जाए उस टेम्परेचर पे, उतना हाई नहीं करना, ठीक है, तब तब का हम नाइट्रोजन को ही प्रेफर करते हैं, नाइट्रोजन सस्ती पड़ती है। ओके, बट अगर बहुत हाई टेम्परेचर करना है तो उस टाइम आपके पास नाइट्रोजन से तो काम बनने नहीं वाला, फिर कौन चलता है, फिर आर्गन चलती है। ओके, यूज फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स में भी आर्गन भरी जाती है, वो जो पुराने आते थे। ओके, जिसमें वो कॉयल होती है जो फ्यूज हो जाता है ना, ये टूट जाती है बीच में से तो वो फ्यूज हो जाता है, येलो येलो लाइट देता है वो वाला, आजकल तो एलईडीज का जमाना है वैसे। नेक्स्ट, यूज इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेस दैट आर एयर सेंसिटिव। वही इनर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड किया ना इसने, तो उस सब्सटेंस को आर्गन की प्रेजेंस में रख दिया जाए, जैसे सोडियम को अगर आपने स्टोर करना है तो आर्गन गैस की प्रेजेंस में भी स्टोर कर सकते हो। ओके, जरूरी नहीं कैरोसिन में डाल के ही करना, बट कैरोसिन में डालना इजी एंड कन्वीनियंट है, सो दैट्स व्हाई वी यूज कैरोसिन। क्रिप्टन एंड ज़ीनन यूज इन दी लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पजेज। इनका यूज जो है वो लाइट बल्ब में ही होता है, कई तरह के स्पेशल पर्पजेज के लिए बल्ब आते हैं, तो उनमें यूज होता है इसका, क्रिप्टन एंड ज़ीनन का।
So that's it with P block. कल हम थोड़े से NCERT back exercise question करेंगे कुछ एक इस chapter के main. बाकी आप भी कल तक इसकी NCERT की back exercise कर लो, उसके बाद ये chapter finish है, परसों इस chapter का test. सर कल